सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर है लागू जितने भी जने हैं। वही है क्या? हाँ वही बिचारी राधा। पकड़ा गया क्या वो? कौन पकड़ा गया? वही जो इसका मामा बनता था। कहाँ पकड़ा गया? कोई सबूत ही नहीं है। सारी बस्ती को हकीकत का पता है पर पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी है। अरे पूछताछ तो की होगी इसके मामा से। नाम तो उसने अपने मामा का ही लगवाया था। क्या पता, पुलिस ने बिचारी राधा से काफी पूछताछ की है। अच्छा तुझे सब मालूम है यार, क्या क्या पूछताछ की थी जरा हमें भी तो बता दे। पान के दो रुपए दे, मजे ले रहा है। ला पान के दो रुपए दे। रुपए खिला दिए पुलिस को उन्होंने, तू कैसे कह सकती है? बसंतो मैं तो समझता था कि तू अब तक थोड़ी बहुत समझदार हो चुकी होगी। तुमने फौरन अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज आ रही है हमारे पास चार दिन बाद इस लड़की को लेके। कितनी बार कहा है कि ये दरवाजे तेरे लिए 24 घंटे खुले हैं। किसी को भी किसी भी तरह की कानूनी मदद की जरूरत हो उसे फौरन मेरे पास लेके आ। और इस मसले में तो तुझे यहां आने से भी पहले डॉक्टरी जांच के लिए सीधे अस्पताल जाना चाहिए था। बलात्कार के बाद कपड़ों को सुरक्षित कस्टडी में रखवाना चाहिए था। क्या हुआ था बेटे? आप क्या करेंगे जान के? चलिए चलिए जाइए, शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। तुमने तो मुझे बेअकल समझ लिया है ना वकील साहब। इसी ने बताई 3 दिन बाद मुझे ये बात, और इसके घर वाले जाने क्यों छिपा रहे थे? मैं तो सीधे थाने गई थी लेकिन अपना समूह लेकर लौट आई तुम्हारे पास। उन लोगों ने 1000 सवाल किए लेकिन रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। पूरी बस्ती में बात फैल गई है। ये बेचारी तो सवालों के जवाब दे दे के परेशान हो गई है। रो रो कर जी हलकान कर लिया है इसने। बहादुर लड़की, रोते नहीं है, रोते नहीं है। चलो आओ मेरे साथ, आओ। चुप हो जा, चल। एक कहानी जो इन आँखों से लगा बेवजह ऐसे सवालात के घेरों में घिरी, सोचती है कि बता देगी तो नजरों से गिरी। ये वजह है कि इसे लड़कियां छिपाती हैं, बात खुलकर ये किसी को नहीं बताती हैं। यातना एक थी लेकिन 1000 बार सही। हाय किसे किसे को सुनाएगी बार बार। तारी सब क्या क्या हुआ, कौन था वो मर्दुआ? कहां से पकड़ा था, कहां कहां छुआ, छोए मोए क्यों बड़े चली जा रही है? क्या पहना था उसने, मुझे थी या सफा चटता? कहीं खुद ही तो हाँ इसीलिए शायद फौरन रिपोर्ट नहीं लिखवाई। 3 दिन तक इसीलिए छिपाती रही है? बता बता
सारी बातें बता रहा। तू उसके पास गई थी या वो तेरे पास आया था? राधा, हर किसी को कुछ नहीं बताना है, सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको बताना है। वैसे बसंतो चाची हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगी, मैं भी रहूंगी, कानून तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, और देखो कुछ भी मत छुपाना, जो हुआ उसको पूरी तरह से बताना, समझी? और कुछ खाया कि नहीं? खा ली। मैंने तो तुझे कुछ खाते नहीं देखा। भूख नहीं है। वकील साहब के फ्रिज में बहुत सारी खाने की चीजें, कहो तो एक बोतल ठंडा ले आऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी चाची, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत घबराहट होती है। हथकड़ी मुजरिमों को बांध नहीं पाती है, क्योंकि चुप्पी से तेरी बात बिगड़ जाती है। डॉक्टरी जांच करा, वस्त्र न धो और न नहा, भूल है तेरी, सबूतों को दिया ऐसे बहा। घर में बताया नहीं, वक्त पे थाने न गई, रपट लिखा के जांच अपनी कराती तो सही, यातना एक थी लेकिन हजार बार सही। हाय, किस किस को सुनाएगी बार बार वही। घबराओ मत, इन किसी खास शब्द से घबराओ मत। मैंने तुमसे पूछा बलात्कार क्या होता है, तुम एक वकील हो, वकील साफ शब्द में क्यों नहीं बोलती? सर, सर मैंने बताया ना कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करता है तो वो बलात्कार कहलाता है। तुम अभी भी, यानी अभी भी तुम उस खास शब्द से बचने की कोशिश कर रही हो। पहले कहा इज्जत लूटता है, फिर कहा जबरदस्ती करता है, साफ क्यों नहीं बोलती हूं, संभोग करता है। अब आप बताइए इरफान महाशय, कानून की भाषा में बलात्कार कब माना जाएगा? सर, कानून की भाषा में बलात्कार तब होगा जब किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष द्वारा उसकी इच्छा और सहमति के बिना संभोग किया जाए, या संभोग के लिए उसे डरा धमका कर उसकी सहमति ली जाए। अब तुम बताओ यानी। या उससे ये कहकर संभोग किया जाए कि वो पुरुष उसका पति है, जबकि वास्तव में वो उसका पति ना हो। शाबाश। और या ऐसी जबरदस्ती उस स्त्री के साथ की जाए जो दिमागी तौर पर कमजोर हो या किसी तरह के नशे के असर में हो। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया संभोग भी बलात्कार कहलाएगा, चाहे वो उसकी मर्जी से हुआ हो, चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ। 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग भी बलात्कार माना जाता है। सर, सजाएं तो बलात्कार करने वाले का अपराध अगर कोर्ट में सिद्ध हो जाए तो उसे 7 से 10 साल तक की कैद या उम्र कैद हो सकती है। लेकिन अगर कोई पुरुष ये जानने के बावजूद कि स्त्री गर्भवती है उसके साथ बलात्कार करता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। लड़की अगर 12 साल से कम की हो तब भी तो सजा 10 साल की है ना सर? ठीक कह रही हो। एक कहानी जो इन आँखों से लगातार बही, हाय एक
तुझको बहला के या फुसला के दवाई कोई, दी पिला कुछ भी मिला तू भी नशे में खोई, तेरी मर्जी के बिना या कोई मजबूरी दिखा, बन के पति झूठा तुझे लूटा सबक उसको सिखा, यों दरिंदे ही बढ़ेंगे अगर तू मौन रही, एक कहानी जो इन आँखों से लगातार बही, यातना एक थी लेकिन हजार बार सही। हाय किस किस को सुनाएगी बार बार वही। मामला अकेले राधा का नहीं है एनी, तुम्हारे पास ये जो तीन केस हैं इन्हें हैंडल करते वक्त जरा सावधानी बरतना। और इरफान बताओ, क्या कभी पति भी बलात्कारी हो सकता है? पति को कौन बलात्कारी मानेगा सर, हमारे देश में तो पति परमेश्वर होता है, उसको तो सोसाइटी ने सारे अधिकार दिए हुए हैं। पति भी बलात्कारी हो सकता है अगर पत्नी 15 साल से कम की है तो उसके साथ पति का संभोग भी बलात्कार ही कहलाएगा। हाँ ठीक बात है, उसे भी बलात्कार माना जाएगा। पहले भी ऐसे केसेस होते थे पर अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम भी ठीक कह रही हो, बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो इन दिनों समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोग पुलिस में इसकी शिकायत बहुत कम लिखवाते हैं। बता सकती हो ऐसा क्यों होता है? लड़की ये समझती है कि लोग समझेंगे वो भ्रष्ट हो गई है, या फिर वो ये समझती है कि उसके माँ बाप की बदनामी होगी। ये भी मन में आ सकता है कि लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस आदमी ने कुकर्म किया उसकी पहुंच ऊंची है, या वो ज्यादा ताकतवर है, या कोई करीबी रिश्तेदार है, सो बदनामी तो होगी ना। अपनी किस्मत समझकर चुप बैठ जाती है बेचारी। सब लड़कियों को ही तो दोष देते हैं, अकेली बाहर क्यों निकलती हो, घर के अंदर क्यों नहीं बैठी रहती, सबके सामने सर ऊंचा करके क्यों चलती हो, सबके सामने ठहाका मार के क्यों हंसती हो, ये सब तेरी करनी का फल है। हम औरतों का ऐसा सोचना ही तो गलत हो जाता है। बलात्कारियों को बढ़ावा देने में हमारा भी दोष है, सारी झिझक तोड़कर हमें उनको सजा दिलवानी चाहिए। अब जमाना बदल गया है, अगर नहीं बदला है तो हमें बदलना चाहिए, चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। अरे क्यों मौन है रानी, दौरे तफ्तीश में कोई मर्द न छुएगा तुझे, है हिफाजत में कोई दर्द न छुएगा तुझे, पर्दगी रख के मजिस्ट्रेट तुझसे पूछेंगे, तेरा पूरा बयान लिख लेंगे, तू अगर चाहे एक कॉपी तुझे भी देंगे, सारी बातें उन्हीं को बतलानी। अरे क्यों मौन है रानी, हमारा समाज इस अपराध को बढ़ावा देने के मामले में कुछ इस तरह का माहौल बनाए हुए है कि क्या बताएं, बेचारी नन्ही नन्ही बच्चियां जो कुछ नहीं जानती, जिंदगी के रोशनदान जिनके लिए खुले ही नहीं। सर ऐसा नहीं लगता कि पूरी सोसाइटी में पतन का दौर आया हुआ है? मैं ऐसा नहीं मानती, हम लोग लगातार सीख भी रहे हैं, औरतों के अंदर चेतना बढ़ रही है। जितनी चेतना बढ़ रही है दरिंदगी और गंदगी उससे ज्यादा बढ़ रही है नहीं मैडम? इरफान बदलाव हर दौर में आता, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। अब देखो ये रेडियो टेलीविजन, इन्होंने आम आदमी को दुनिया जमाने की तमाम जानकारियां दी, तो वो भी दिया, तुम क्या कह रहे थे पतन भी दिया। मीडिया का रोल बहुत खराब है सर, रेप किडनैपिंग मर्डर और इन सब को बढ़ाने में टीवी का बड़ा रोल है। आप रोजाना अखबार उठा के देख लीजिए, एक से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आपको मिल जाएगी। वकील साहब गजब हो गया, वकील साहब लगता है कोई बुरी खबर लेके आई है। बसंतो क्या हुआ, बसंतो क्या बात? उस कमीने कुंदन की हिम्मत तो देखो, इस बार एक बच्ची को उठाकर ले गया, नाज पीटे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर से बलात्कार, अपनी हवस बुझाकर रेलवे लाइन के पास छोड़ गया। कब की बात है? अभी 2 घंटे पहले की। फिर क्या किया तुमने? वही जो तुमने बताया था। हाँ। दो औरतों को लेके थाने गई, रपट लिखवाई, डॉक्टरी जांच करवाई। अच्छा।
उन्होंने उसके कपड़े हिफाजत में रख लिए। पुलिस की जीप उसे ढूंढने गई है। इस बार मुआ बचना नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, बस्ती में मीटिंग रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, इकट्ठा करो औरतों को बस्ती में। इरफान तुमको जाना होगा भाई। ठीक है सर। कुंदन है ये, वही बलात्कारी जिसकी बड़े दिनों से तलाश थी। चल बे चल चल। बैठे बैठे, जांच के बाद कुंदन के कपड़ों पे भी दाग पाए गए। इस बार बसंतों की बुद्धिमानी से सारे सबूत हैं हमारे पास। अब क्यों बच ना पाए सर? होना तो ऐसा चाहिए। लेकिन सर मैं एक बात कहता हूं, कमला का बलात्कारी तो पकड़ा गया बसंतों के कारण, लेकिन इतनी सारी कमलाएं हैं, आज अपहरण कल बलात्कार, हम अकेले कैसे सब कुछ रोक सकते हैं? तू अकेली कहाँ है यार प्यारी, अब रुग्घा है तेरे साथ, मैं हूँ, लाजो है, पूरी बस्ती के लोग हैं। मुझे तो फिक्र सिर्फ अपनी बेटी की है। बात यह है चाचे की घसीटा ने अभी तक इसका पिंड नहीं छोड़ा है, हर तीसरे चौथे दिन दुकान पे आ जाता है, धमकियां देता है, कहता है तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। बेटी को चाहता था तो अदालत से मांगता, ऐसे कैसे उठा कर ले जाएगा? तलाक के बाद भी चैन नहीं पड़ा उसे। सुक्की कुप्पी दिया बेटा, जरा ला। चाय पीने के बहाने मेरी दुकान पर आता है और घंटों बैठा रहता है। बड़ा निर्लज है। थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहता है कि रुखा मेरी बेटी को कोठे पे बेच देगा, इसलिए मैं सुक्की को उठा के ले जाऊंगा। हर प्यारी कोई समझदारी है कि नहीं? इतना भी ख्याल नहीं रखती कि कौन सी बात बच्चों के सामने कहने की है, कौन सी नहीं कहने की? अरे सुक्की उसकी नहीं, अब मेरी बेटी है। सुक्की बेटा ये ले 5 रुपए ले और सूरज को मिठाई दिला के ला। देखो चाची, सुक्की को अकेले भेज रहे हैं। मेरा सूरज है उसके साथ हिफाजत के लिए, फिक्र वाली कोई बात नहीं। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे कोई नहीं ले जा सकता है। जाओ पापा। जाओ बेटा। चलो सूरज। मैं घसीटा राम के हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर मैंने उसे दुकान पे बैठे हुए देख लिया। ग्राहक बनकर आएगा फिर कैसे मना कर सकती है? कैसे नहीं रोक लेगी, अपराधियों को चाय पिलाने के लिए थोड़ी खोली है दुकान। चाची अब उसका शकुंतला सभी मन भर गया है, जगह जगह ओछी हरकतें करता फिरता है, सारे चरित्र जानता हूँ मैं उसके। वो किसी भी हद तक गिर सकता है चाची, औरत को देखते ही वो भूखा भेड़िया हो जाता है। मैं अपने मायके में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ। एक बार उसने मेरी ताऊ की लड़की के साथ जबरदस्ती करी, एक बार पड़ोस की छोटी सी बच्ची को दबोच लिया, वो तो मेरे भाइयों ने सारा किस्सा दबा लिया वरना जिंदा नहीं लौटता वो। यही तो गलत बात है, रिश्तेदारियों में जो ओछी हरकतें करते हैं उन्हें तो बख्शना ही नहीं चाहिए। छोटे बच्चे इन पर भरोसा कर लेते हैं पर होते हैं ये भेड़ की खाल में भेड़िए। कहता है सुक्की को ले जाएगा, हाथ तो लगा के देखे जरा, उसका क्या भरोसा, ऐसा बाप बाप कहाँ रहा। चाची मैं तो कहता हूँ कुंदन की तरह घसीटा राम को भी पकड़वा दे सारी औरतें मिलके, कम से कम 20 साल की सजा करा दे। लंबी सजा तो बलात्कार में ही होती है बस, औरतों के साथ छेड़खानी करने में तो बहुत मामूली सजाएं होती हैं। आदमी अपने शरीर की ताकत का फायदा उठा के औरतों को तरह तरह से सताता है, ज्यादातर तो बेचारी शिकायत ही नहीं करती। दैया रे दैया, कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। अरे इज्जत लूटने के अलावा तरह तरह के क्रूर तरीकों से औरतों पर भद्दे भद्दे जुल्म किए जाते हैं। ये सब भी तो बलात्कार ही है। कानून सिर्फ संभोग को बलात्कार मानता है, वैसे चाहे डंडे से अंदरूनी चोट लग जाए, औरत घुट घुट कर मर जाए, उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। एक केस में तो सचमुच एक औरत की मौत भी हो गई थी, लेकिन कानून की नजर में वो नहीं हुआ। इस संभोग ना,
इसलिए बलात्कार नहीं माना गया और सजा भी 2 साल से ज्यादा की नहीं हुई। सीटी मारने जैसी छेड़छाड़ करो या वासना की वहशियाना घिनौनी हरकतें, सबकी एक ही सजा है कानून में, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बलात्कार होता क्या है। सुक्की अभी तक नहीं आई चाची। नित नई अपहरण कहानी है, अब सरे राह छेड़खानी है। नन्नी कलियों को कुचलने वाली कौन सी नस्ल ये मर्दानी है? छोटे बच्चों के अंग काट दिए, एक भिखारी बना फुटपाथ दिए, ये दरिंदे तो सजा पाएंगे, वो भी दोषी जिन्होंने साथ दिए। पकड़नी इनकी गिरेबानी है, नित नई अपहरण कहानी है। घर में बच्चों को सिखाना होगा, नाम घर बार रटाना होगा। ज्यों ही घट जाए कोई दुर्घटना, जाके थाने में बताना होगा। ये कसम सबको ही निभानी है, क्योंकि नित नई अपहरण कहानी है। किसी नाबालिग लड़के या लड़की को उसके संरक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना एक कानूनी अपराध है। अपहरण करने वाले अपराधी को कड़ी सजा दी जाती है। किसी लड़की को वेश्या का काम करवाने के लिए बेचना एक संगीन कानूनी अपराध है। इसकी सजा 3 से 14 साल की कैद और जुर्माना है। पुलिस कर्मी, सरकारी नौकर या अस्पताल कर्मचारी यदि अपनी निगरानी या हिरासत में रहने वाले स्त्री पर बलात्कार करते हैं तो उसकी सजा कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। बलात्कार के मामले में कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका स्त्री का नाम नहीं छाप सकती, अगर छापे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बलात्कारी अगर प्रभावशाली हो और पुलिस रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दे तो शिकायत सीधे अपने राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, स्थानीय विधायक, इलाका मजिस्ट्रेट अथवा जिलाधीश को लिखकर या उनसे मिलकर की जा सकती है। वो कहानी जो इन आंखों से लगातार बही, हर किसी को न सुनाएगी ये हर बार वही।